नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम टोकनाइजर है। ये बिल्कुल स्ट्रीम टोकनाइजर की तरह ही काम करती है, नाम से जाहिर है। सो ये क्या करेगी, आप इसको कोई टोकन अगर दे देंगे तो ये उस टोकन के हिसाब से आपकी स्ट्रीम को ब्रेक करती जाएगी, उतने टोकन बनाती जाएगी, ठीक है। सो इसको अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टोकन है वो स्पेस होगा, बाय डिफ़ॉल्ट टोकन आपका स्पेस होगा। मैं अभी एक मिनट इसको कमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान कोमा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मलाशिया। सो ये स्पेस जहाँ जहाँ मिलती जाएगी ना, वो उसको एक टोकन बनाता जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं ये कहता हूँ जी, ये मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग पास की और टोकनाइजर से मैंने कहा जी नेक्स्ट टोकन, ठीक है, या एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता तब तक आप ये काम करते रहो। अगर उसे स्ट्रिंग मिली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, नंबर मिला तो नंबर में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे, और फिर हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। सो लेट्स सी। तो ये देखें आप इसको, अगर नीचे आउटपुट देखें, जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिल रही है वो उसको टोकन में कन्वर्ट करता जा रहा है, लेकिन मैं कोमा से करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं कहूँगा भाई वर्ड करेक्टर जो है ना, वो हमारे स्पेसेस के साथ जितने करेक्टर हैं वो वर्ड है, यानी कि स्पेस आती जाएगी तो एक वर्ड है, जहाँ उसे कोमा मिला वो ब्रेक कर देगा उसको वहीं पे, स्पेस के साथ वर्ड आ रहा है। सो दिस रन, अब उसने कहा जी पाकिस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मलेशिया, ठीक है। उसने कहा जी मुझे ये अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE इकट्ठा लिखते हैं, जहाँ जहाँ जब तक उसको स्पेस इकट्ठी मिलती जाएगी वो उसको एक वर्ड समझता जाएगा, ठीक है। और जहाँ उसको स्पेस के अलावा कोई और करेक्टर मिला वो क्या कहेगा, ये जी मेरा नया वर्ड है, तो वो नया टोकन है। तो ये हमारा स्ट्रीम टोकनाइजर का की एक क्लास थी, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो हमारा थ्रेड से रिलेटेड चीज़ है।